गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर वापस आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोला था कि मैं लाने वाला हूँ एक्यूरेसी के साथ वन टेप हेडशॉट कैसे मारी, मतलब मैं आपको समझा दूँ सरल भाषा में कि काफ़ी बंदों का क्या होता है कि वो वन टेप मारते हैं लेकिन पूरा गुच्छा नहीं लगता है, सिर्फ शॉटगन की एक ही गोली लगती है। लाइक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही गोली लगती है, वो पूरा हेड नहीं लगता है, वो एनिमी मरता नहीं। लेकिन उसी जगह जो प्रो प्लेयर होते हैं उसका पूरा गुच्छा लगता है, भले ही थोड़ा सा भी मौका क्यों नहीं आ जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को इनक्रीज कर सकते हो वन टेप हेडशॉट मारने के लिए, क्योंकि काफ़ी बंदों की डिमांड थी कि ये वीडियो लाओ कि यार हम वन टेप मारते हैं, हमारा वन टेप भी लगता है लेकिन सिर्फ एक ही गोली हेड पर लगी, बाकी सभी एक्यूरेसी लो होने के कारण निकल जाती इधर उधर। तो इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले दो पार्ट बनाए थे इसके वन टेप हेडशॉट के, फुल ट्यूटोरियल शॉर्ट रेंज में, एकदम शॉर्ट रेंज में, क्लोज रेंज में, मिड रेंज में। तो वो पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने दोनों का। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो तो सिर्फ दो ही ऐड लगे, 54 के सिर्फ दो ही ऐड लगे। अगर यहाँ पर अच्छा प्लेयर, मतलब अच्छा अगर सही ढंग से होता यहाँ पर तो पूरा गुच्छा लगता। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने खुद फिक्स किया है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी आगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर गाइस अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया कर दीजिए, वहाँ पर हम डीजे आलोक के गिव अवेज कर रहे हैं। तो अगर आपको डीजे आलोक गिव अवे एंड डायमंड्स लेने हैं तो डायमंड के भी गिव अवे चल रहे हैं, तो वहाँ पर जा सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ फॉलो करो एंड अगर आप लकी हुए तो आपको डीजे आलोक मिल जाएगा। सो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने बस वन शॉट मारा लेकिन एक ही गोली हेड पर लगी, लेकिन दूसरी टाइम परफेक्ट हेड शॉट। तो यहाँ पर होती है ये एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैं बंदे के पास जा रहा, बंदे ने मारा मुझे, यहाँ पर देखो एकदम सामने आया, मैंने एकदम इसको वन टैप मार दिया एक्यूरेसी के साथ। देखो यहाँ पर इसको वन टैप नहीं लगा, देखो पूरा हेड पर भी एम गया था क्योंकि मेरी एक्यूरेसी लो थी। यहाँ पर सामने आया, मैंने तुरंत इसकी तरफ वन टैप मार दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, एक नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वही क्लिप है जो पिछली बार आपने देखी थी कि यहाँ पर वन टैप नहीं लगा एंड यहाँ पर लग गया। तो अभी मैं इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ कि गाइस वन टैप हेडशॉट यहाँ पर क्यों नहीं लगा। सबसे पहले हमने बैठकर ग्लू वॉल वगैरह लगाए, ठीक है, मैं ऐसे भागा। एंड अभी आप मेरे फायर बटन को देखना कि कैसे मेरा फायर बटन नीचे करके ऊपर हुआ था। देखो एनिमी राइट में भाग रहा है लेकिन मेरा फायर बटन नीचे करके ऊपर हुआ था। तो अगर यहाँ पर मैं अपने फायर बटन को नीचे करके राइट की तरफ करता तो इसको वन टैप लग जाता, क्योंकि ये उधर जा रहा था एनिमी। एंड यहाँ पर देखो मैंने नीचे करके डायरेक्ट ऊपर किया तो इसको हेड लग गया। अभी मैं इसको इसका मोटिव समझाता हूँ कि ये हेड क्यों नहीं लगता है, इसके पीछे मेन रीज़न जो कारण है वो समझाता हूँ। देखो जब मैंने वन टैप मारा था सिर्फ 69 का डैमेज लगा था, वहाँ पर इतना क्यों लगा क्योंकि मैंने अपने फायर बटन को सिर्फ नीचे करके ऊपर खींचा था और एनिमी राइट में भाग रहा था, यानी कि रन कर रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैंने वन टैप मारा पूरा गुस्सा तो वहाँ पर गाइस एनिमी एकदम स्टिल पोजिशन पर खड़ा था एंड मैंने अपने फायर बटन को डायरेक्ट नीचे करके ऊपर खींचा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है गाइस कि आपको जिस पोजीशन में एनिमी जा रहा है उसी पोजीशन में आपको वन टैप की तरफ ड्रैग करना है। अगर राइट में जा रहा है तो नीचे करके राइट की तरफ खींचो, अगर थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ खींचो, अगर एकदम दूर जा रहा है या फिर क्लोज आ रहा है तो नीचे करके डायरेक्ट ऊपर करो, कोई भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कम्प्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ आया अभी तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो कि मेरे को ये पार्ट समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर एक चीज़ कंप्लीट हुई है कि जिस पोजीशन में एनिमी जा रहा है, जिस हिसाब से जा रहा है उस हिसाब से करना है, और बाकी डिपेंड करता है आपकी फायर बटन की साइज़ पर कि कितना बड़ा है। देखो गाइस ज़्यादा फायर बटन की साइज़ होगी तो ऑब्वियसली आपकी मतलब ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा आपके हैंड को, लेकिन अगर फायर बटन की साइज़ मीडियम होगी तो अगर नॉर्मल मूवमेंट करोगे आप अपने फायर मतलब अपने हाथ को स्क्रॉल करोगे तो भी आसानी से उतना ही काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फायर बटन बड़ा होता है तो आपको थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा करना पड़ता है अपने हैंड से। तो यही ट्रिक थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। 4 लाख हो गए हैं, 5 लाख का टारगेट है तो कर देना सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप डायमंड वगैरह जीतना चाहते हो तो जा सकते हो इंस्टाग्राम पर। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू सीज़न आ रहा है आज, समझ रहे हो, आज 2 बजे आ रहा है। तो न्यू सीजन मैं तो रैंक पुश करने वाला हूँ, जितना हो सकेगा उतना ट्राई करूँगा एंड हो सकेगा तो वीडियो भी डालूंगा। लेकिन हमारी टीम क्लियर है, बन गई है टीम, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा मोंटेज वगैरह देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि मोंटेज देखना है या नहीं, ठीक है, वन मतलब जो मैं हम पुश कर रहे हैं उसका। सो कमेंट जरूर कर देना एंड बाय बाय यार, जो बोला है वो कर दो बस, अगर आपको अच्छा लगे तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।